उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लिमिटेड के सभापति चुने जाने पर सोमवार को संत राज यादव ने गोरखपुर सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बैंक की व्यावसायिक प्रगति हेतु आगामी वर्षों के लिए ऐसी नीतियां योजनाएं बनाई जाएं जो न केवल किसानों को पुनः बैंक से सीधे जुड़ेगी तथा किसानों के द्वार तक पहुंचाएगी। और उन्होंने कहा कि ये प्रयास होगा कि प्रत्येक शाखा जनपद व मंडल स्तर पर बैंक से जनप्रतिनिधियों को जोड़कर बैंक के निर्धारित उद्देश्यों को जन जन तक पहुँचाया जाए तथा किसान क्लब बनाकर विभिन्न योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने व क्रियान्वित करने के साथ साथ बैठक के व्यवसाय को बढ़ावा देकर राज्य सरकार की मदद से नई योजनाएं लागू कर बैंक को नई दिशा की ओर अग्रसर किया जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के आम सभा के प्रतिनिधियों तथा प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ साथ सभापति एवं उपसभापति के चुनाव 20 अगस्त से शुरू होकर 23 सितंबर तक संपन्न हुए। बैंक की 323 शाखाओं के प्रतिनिधियों ने 312 शाखाओं पर चुनाव संपन्न कराए तथा 290 से अधिक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बैंक के चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। प्रबंध समिति के 14 सदस्यों का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ तथा प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा संत राज यादव को सभापति तथा केपी मलिक को उपसभापति चुना गया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के सभापति संत राज यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ का 23 सितंबर को चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें मुझे पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था। मैं निर्विरोध उत्तर प्रदेश का सभापति चुना गया। उत्तर प्रदेश में कुल 323 शाखाएं इस बैंक की है, जिसमें 312 शाखाओं पर चुनाव हुआ है और उन 312 में से 14 डायरेक्टर चुने गए और 14 डायरेक्टरों में से एक सभापति और एक उपसभापति चुने गए। ये 23 सितंबर को संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक उत्तर प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था कराता है। कृषि या कृषि से संबंधित रोजगार पर हम ऋण देते हैं और एक अच्छी जानकारी मिली नाबार्ड के द्वारा, सामान्य वर्ग के लिए तो 13.5% ब्याज है, लेकिन नाबार्ड के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अनुसार पिछड़े वर्ग के किसानों को 4-6% ब्याज पर ऋण दिया जाता है और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 2% पर ऋण दिया जाता है। यह बैंक गांव में रहने वाले किसानों के सीधे लाभान्वित करें, इस प्रकार की इसका कार्य योजना है। आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा, विगत 24 वर्षों से लगातार एक परिवार का कब्जा इस बैंक पर रहा, लेकिन बैंक की स्थापना 1959 में हुई थी और 1959 के बाद आज तक किसी सभापति ने बैंक के अधिकारियों के साथ बैठ करके कोई बैंक के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की नहीं समीक्षा किया, नहीं इसके उत्थान की बातचीत की। ये मुझे भी जानकर के ताजुब हुआ। तो मैं पिछले दिनों शुक्रवार को बैंक के अधिकारियों के साथ बैठा और उसके विस्तृत समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद मेरे समझ में ये आया कि हमारे बैंक के अधिकारी, हमारे कर्मचारी या जो हमारे शाखा स्तर पर डेलीगेट चुने गए हैं, इन लोगों ने इस हमारे क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर कोई संपर्क नहीं किया, जिसके नाते किसान हमारी तरफ से उदासीन है, हमारे बारे में जानता ही नहीं है। इस नाते मैंने एक दो शब्द उन लोगों को दिया कि आप निचले स्तर पर किसानों से संपर्क और संवाद करिए और न्याय पंचायत स्तर पर किसान क्लब गठित करिए और किसान क्लब गठित करके हम अपने इस कार्य योजना को उन किसानों के बीच में संपर्क और संवाद बना करके अंतिम रूप देंगे।
जिससे हमारे बैंक का कारोबार आगे बढ़ सके। लघु सीमांत, सीमांत या अधिक खेती वाला, अधिक खेती वाला हम सबको देते हैं उसको। 30,000 पे रेट देते हैं, 30,000 पे रेट दिया जाता है। सर डेबिट कार्ड पे? नहीं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं, सर क्रेडिट कार्ड नहीं। केसीसी पर हम लेते हैं, वो छोटे टर्म का लोन है, वो 6 महीने का लोन, हम लोन है, वो क्रॉप लोन है, हम उसको नहीं करते, उसको अन्य बैंक करते हैं। हम जो है केवल लॉन्ग टर्म का लोन देते हैं, जो 3 बरस से कम का नहीं हो। किसी उपकरण के लिए भी देते होंगे? नहीं, कृषि उर्वरक के लिए दूसरी सहकारी संस्था है, कृषि उर्वरक के लिए दूसरी सहकारी संस्था। कृषि उपकरण जैसे? हाँ, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण के लिए हम देते हैं। कृषि से संबंधित जो अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए हम देते हैं, कोई छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है उसके लिए हम देते हैं। तो 30 लाख तक के लोन ही हम कोई ट्रैक्टर पर या ट्रैक्टर पार्ट का या खेती में उपयोग वाले जो मशीनें आती हैं, चाहे वो मड़ाई का हो, चाहे वो बोने का, कृषि उपकरण का, उसके लिए हम देते हैं। सब चीज़ों करते हैं। किसान क्लब जो बनाने की बात कर रहे हैं तो कोई समय भी निर्धारित किया कितने दिनों के अंदर उसका गठन कर लिया है? नहीं, अभी निर्धारित नहीं किया है। अभी हम तो केवल मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठ करके सारी चीज़ों को कहें, इसके बाद हम मंडल स्तर पर जाएंगे और मंडल स्तर हमारा आगे चल करके 14 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी। उस बोर्ड की बैठक में इस विषय को ला करके हम उस समय भी निर्धारित करेंगे कि इतने दिनों के अंदर, और उसका धरातल भी चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम समय दे दिए या हमने आपने किसान क्लब बना करके हमको दे दिया, तो हम हमारे डायरेक्टर और हम मिल करके उस धरातल को भी जाने का प्रयास करेंगे कि हम भी वहाँ तक जाएं, रियलिटी पता चले। अब 4 से 6% पर हम लोन दे रहे हैं बैकवर्ड क्लास को, 2% पर, और ये जानकारी ही नहीं है अनुसूचित वर्ग को, जानकारी है ना पिछड़े वर्ग को जानकारी है।